रुड़की आरटीओ कार्यालय के बाहर बेवजह चालान काटने को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों ने अधिकारियों के साथ जमकर धक्का मुक्की की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भारतीय किसान यूनियन तोमर के कार्यकर्ताओं ने आरटीओ कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप था कि पिछले कई दिनों से आरटीओ कार्यालय की टीम किसानों के वाहनों को पकड़कर उनके बेवजह चालान काट रही है। हंगामा करते हुए किसानों ने बेवजह चालान काटने का विरोध जताया। इस दौरान परिवहन कर अधिकारी अनिल नेगी को किसान नेताओं ने पकड़ लिया और खींचतान करते हुए उन्हें अपने साथ ले जाने लगे। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने भारी मशक्कत के बाद किसान नेताओं के कब्जे से परिवहन कर अधिकारी को छुड़ाया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखो, धरने का मामला ऐसा है, ये भारतीय किसान यूनियन तोमर, अगर हम किसी को फोन भी करते हैं देख अरे कोई हमारा फोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। जैसे सिंगल टैरी होगी, कोई अपने घर के लिए किसान माल लेगा जा रहा है, उसका 40-45 हज़ार का चलान, सारा का सारा प्रशासन जो फिलहाल यहाँ आरटीओ ऑफिस में भ्रष्ट हो रहा, बहुत उगाही करी जा रही है यहाँ पे, कोई सुनने के लिए किसी की बात तैयार नहीं है। दिया मैडम ने अगर 10 दिन के अंदर अंदर सिचुएशन नहीं निकलती तो हटको फिर धरना प्रदर्शन हो। आज भारतीय किसान यूनियन तोमर का यहाँ पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन था और ये जो आरटीओ विभाग यहाँ घूसखोरी और दलाली जो चल रही है उसके उपलक्ष्य में था और यहाँ से आश्वासन मिला कि 10 दिन के अंदर अंदर ये जो हमारा 8 सूत्रीय मांग पत्र था उसको मान लिया गया है, 10 दिन के अंदर समाधान कर दिया जाएगा। अगर नहीं समाधान होता तो हम एक बहुत बड़ा यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे और हो सकता है हमें रोड जाम भी करना पड़े तो उससे भी हम पीछे नहीं हटे। किसानों ने अपनी कुछ समस्याएं ज्ञापन के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत की हैं, जो भी उनकी समस्याएं हैं उनका बिंदुवार निस्तारण किया जाएगा और यदि कुछ प्रॉब्लम पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF ranked for 5 consecutive years। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।